गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प पर पीएम मोदी ने 19 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस बैठक में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान पर हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम मोदी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के विपक्ष के प्रयास को शरारतपूर्ण व्याख्या करार दिया है। शनिवार दोपहर पीएमओ द्वारा जारी तीखे बयान में कहा गया कि अब पहले की तरह चुनौतियों की अनदेखी नहीं होती है, बल्कि किसी भी किस्म की हिंसा होने पर हमारी सेना उन्हें रोकती है और टोकती है। सर्वदलीय बैठक में विस्तार से सबको बताया गया था कि जिन हालातों में 60 साल में हमने चीन के हाथों 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन गंवाई, उनसे पूरा देश अवगत है। परोक्ष रूप से मोदी सरकार ने यह भी जता दिया कि उसके कार्यकाल में देश ने एक इंच भी जमीन नहीं गंवाई है। इस बात को लेकर कौतूहल है कि सरकार ने 67 वर्ष की बजाय केवल 60 वर्ष का जिक्र ही क्यों किया। जाहिर तौर पर उन्होंने अपने पहले के कुछ प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के उल्लेख को भी सफाई से टाल दिया है। सरकार के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नेहरू रहे हों या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत ने जमीन गंवाई है। 2013 में चीन ने घुसपैठ करके देसपसांग इलाके में 15 किलोमीटर भीतर तंबू गाड़ दिए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तब संसद को बताया था कि LAC को लेकर चीन का नजरिया अलग है। आधिकारिक बयान में आगे कहा गया कि भारतीय इलाका क्या है भारत के नक्शे से साफ हो जाता है और यह सरकार LAC में किसी भी तरह का एक तरफा बदलाव नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को ही विपक्ष के नेताओं को यह स्पष्ट कर दिया था कि इस बार चीनी सैनिक LAC पर ज्यादा संख्या में हैं और भारत का जवाब भी बराबरी का ही है। केंद्र का बयान, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रिया और राहुल गांधी के तीखे ट्वीट्स के सिलसिले के बाद आया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में कहा था कि भारतीय क्षेत्र में कोई नहीं घुसा है और ना ही किसी सैन्य चौकी पर कब्जा हुआ है। मोदी की टिप्पणियां गलवान घाटी में 15 जून के घटनाक्रम पर केंद्रित थीं, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। 16 बिहार रेजिमेंट के हमारे सैनिकों के बलिदान ने चीनी पक्ष के ढांचा खड़ा करने के प्रयास के साथ उस दिन LAC के इस बिंदु पर अतिक्रमण के प्रयास को भी निष्फल कर दिया। पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्ष ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने चीनी आक्रामकता के सामने अपनी टेरिटरी सरेंडर कर दी है। अगर जमीन चीनी थी तो हमारे जवान क्यों शहीद हुए, वो कहां मारे गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।